हाय दोस्तों, दिस इज हबीब। तो आज आपके लिए नए रेसिपी के साथ मैं आया हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं तजिकिस्तान का पुलाव। तो ये हमने रीस लिया चावल, तो ये 1 kg रीस है चावल है। तो आइए इसे अब हम भिंगोते हैं। तो मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है और अब गर्म पानी इसको डालकर भिगोएंगे 10 से 15 मिनट। तो दोस्तों ये चावल मैंने 1 kg लिया, इससे 2 बार, तो इससे 2 बार लेता हूँ तो मेरी किलोग्राम हो जाती है। अब इसमें गर्म पानी हो चुकी है, ये गर्म पानी डाल दूंगा मैं। तो एक बड़ा सा बर्तन ले लिए, उसमें अब तेल डाल रहे हैं 1 कलछल से, 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। तो ये 5 डाल दिए। एक्चुअली में जो ये पुलाव बनती है तो उसमें तेल ज़्यादा ही डालते हैं, तो ये 5 डाल दिए, 5 कलछल तेल डालने के बाद। तो तजिकिस्तान का जो पुलाव बनाने के लिए हमने 3 प्याज लिया, उसे इस तरह से काट लिया। 1 kg हमने गाजर लिया और उसे इस तरह से काट लिया। और हमारे पास ये बकरे का मीट है और 1 लहसुन इस तरह से साफ कर लिए ऊपर का। अब ये खड़ा डालूंगा मैं पूरे के पूरे। तो दोस्तों अब हम इसमें ये जो हमने मटन ले रखा था, ये मटन को हमने इसमें डाल दिया, बड़े बड़े ही साइज में डाल दिए, बाद में काटेंगे। तो इस मटन का भी अपना अलग ही जायका है, अलग ही टेस्ट है, काटने के बाद अलग ही इसका टेस्ट आएगा। तो इस तरह से इसे हम पकाएंगे। तो 5 मिनट के बाद दोस्तों हमारा मटन तो इस तरह से पक रहा है, तो इसे हम और पकाएंगे। स्मेल बहुत अच्छा आने लगा, बिना मसाले का ही हम बनाएंगे, फिर भी स्मेल बहुत अच्छा आती है। तो 10 मिनट के बाद दोस्तों हमारा मटन इस तरह से भी हो गया और हम अब इसमें प्याज डाल दिए। अब हम इसे प्याज के साथ पकाएंगे। तो दोस्तों 10 मिनट के बाद देखिए हमारा प्याज इस तरह से हो गया है। हम और इसे पकाएंगे ताकि अपना ये प्याज अपना कलर भी छोड़ेगा और ये हमारा मांस भी अपना कलर छोड़ेगा, ताकि जो हमारा चावल बनेगा, बिरयानी जो बनेगी, पुलाव जो बनेगी तजिकिस्तान वाली, तो उसमें भी अपने आप कलर छोड़ देगा, वाइट कलर का नहीं रहेगा, इसलिए हम इसे और पकाएंगे। तो हमारा प्याज इस तरह से हो चुका है दोस्तों, पक चुका है। तो अब हम इसमें गाजर जो काट चुके थे उसे डालते हैं। गाजर डालने के बाद हम अभी इसे मिक्स करेंगे। तो दोस्तों गाजर डालने के 2 मिनट बाद हम इतनी सी पानी डालेंगे, हल्की सी पानी डालेंगे। तो 10 मिनट के बाद दोस्तों हमारा आधा पक चुका है गाजर। तो अब इस गाजर को भी पकाएंगे ताकि ये अपना टेस्ट भी छोड़ेगा प्लस कलर भी छोड़ेगा। तो जो तजिकिस्तान की फ्लोर है उसमें गाजर बहुत बनती है, हेल्थी फूड है, सब कुछ है इसमें। तो दोस्तों हमारा ये रेडी है, गाजर भी पक चुका है। मैंने गाजर में हल्की सी नमक डाला था जो कि आपको नहीं दिखाया था, तो जब गाजर आप पकाएं तो हल्की सी नमक डाल दें। तो हमने ये बर्तन लिए थे, इससे 2 कप चावल लिया था, तो पानी भी हमारा 2 कप ही जाएगा, तो पानी ठंडा होना चाहिए। ये 1 कप और ये हमारा दूसरा कप।
बर्तन में 2 कप पानी डाल देते हैं। 2 कप पानी डालने के बाद हल्की सी एक्स्ट्रा, क्योंकि दाल मेरा पूरा फुल होके मैं नापा था, हल्की सी डाल दिया और इसे गर्म होने देते हैं। तो पानी डालने के बाद दोस्तों देखिए ये कलर, मैंने इसमें हल्दी उल्दी किसी तरह का कलर ना मसाले डाला है, फिर भी ये अपना कलर छोड़ा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मसाला ही कलर छोड़ेगा, हल्दी ही कलर छोड़ेगा, ये लोग भी अपना कलर छोड़ते हैं। गाजर सबका अपना अपना कलर होगा, सबका अपना टेस्ट होता है। तो दोस्तों इसमें मैंने लहसुन खड़ा डाल दिया और एक खड़ा गाजर। तो मैंने रात को चने भूनो के रखा था, काबली चने, अब मैं इसे भी डालूंगा कुछ इस तरह से। तो दोस्तों चने डालने के बाद हम इसे पकाएंगे। मैंने रात को ही एक कप से ज़्यादा मैंने चने डाल रखा था। अब ये रहा जीरा, 1 स्पून जीरा का मात्रा है सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो मैं नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। अब हम इसमें इसे स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, सब कुछ हमने डाल रखा है, इसे मिक्स कर दिया है। अब लो फ्लेम पे हम इसे ढक के छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आधा घंटा तक हम इसे पकाएं। इसमें हमारा जो चना का छोला था उसे पकाना ज़रूरी था। तो आधा घंटा तक हमारा चावल भी फूला और ये भी फूला। चावल को अच्छे से धोने के बाद हमारा चावल इस तरह से है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे, डालेंगे। तो चावल को हम इस तरह से लेआउट करेंगे इसी में। तो दोस्तों देखिए हमने इस तरह से डाल दिया चावल और दबा दबा कर पानी के ऊपर ले आया, हल्की हल्की पानी ऊपर आ गए। अब हम इसे ढकेंगे और 10 से 15 मिनट के बाद ये बन जाएगा हमारा तजिकिस्तान की पुलाव। तो इसे हम ढक दिए, फिर हम 10 मिनट के बाद देखते हैं। दोस्तों हमारा जब सारा पानी सूख जाता है तो इस तरह से बिरयानी का पुलाव बन गया है। और मैंने इसे मांस जो डाले थे वो अलग निकाल लिया है। तो अब चलते हैं इसे निकालते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैसा मैंने काट लिया। काटने के बाद इस तरह से बिरयानी पुलाव के ऊपर रख देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये तजिकी पुलाव आपको, मुझे कमेंट कीजिए, लिखिए प्लीज और बताइए। और फटाफट मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलते हैं दोस्तों अगले नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।